और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जिसकी वजह से ये इंटरव्यू हम बीच में ही रोक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल शाम 5 बजे फ्लोर टेस्ट का मध्य प्रदेश में आदेश दिया है, यानी कल शाम 5 बजे कमलनाथ सरकार को बहुमत साबित करना होगा, फ्लोर टेस्ट का सामना करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला है मध्य प्रदेश के मद्देनजर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल शाम 5 बजे वीडियोग्राफी हो और फ्लोर टेस्ट कराया जाए मध्य प्रदेश विधानसभा में। याद रखिए, इससे पहले कई बार राज्यपाल खुद चिट्ठी लिख चुके थे कमलनाथ को, लेकिन कमलनाथ का बार बार कहना था मुख्यमंत्री का कि पहले हमारे 22 विधायकों को बेंगलुरु से रिहा तो किया जाए, और इन सब के बीच जबरदस्त विवाद हुआ और सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला गया। मध्य प्रदेश कल शाम 5 बजे अब फ्लोर टेस्ट किया जाएगा, बहुमत परीक्षण का सामना करना होगा कमलनाथ सरकार। संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, सभी पक्षों को सुना गया, नोटिस दिया गया, सवाल पूछे गए और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कल शाम 5 बजे बहुमत परीक्षण, फ्लोर टेस्ट का सामना करें मुख्यमंत्री कमलनाथ। जी हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने भी कर्नाटक के फैसले की याद दिला दी। उसमें भी आधी रात की हियरिंग हुई थी और उसके बाद दूसरे दिन कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि शाम 5 बजे तक इस मामले में हाउस कन्वीन किया जाए और उसके बाद ही एक दिन का हाउस हो, सिंगल पॉइंट एजेंडा हो जिसमें कि सिर्फ फ्लोर टेस्ट की बात कही जाए। और शाम 5 बजे फ्लोर टेस्ट होगा जिसमें 16 विधायक जो बागी विधायक हैं उनके बारे में कहा गया है कि उनके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होगा, वो जहां चाहें वहां रहें, अगर मतदान में हिस्सा लेना है, अगर कार्रवाई में आना है तो वो आ सकते हैं, उन पर कोई रोक या दबाव नहीं रहेगा। साथ ही दोनों स्टेट के यानी कर्नाटक और मध्य प्रदेश के डीजीपी को कोर्ट ने कहा है अपने आदेश में कि वो उन विधायकों को सुरक्षा मुहैया कराएं और साथ ही पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हो। बिल्कुल ऐसा ही एग्जैक्ट यही ऑर्डर कर्नाटक में जिस समय संकट आया था उस समय भी यही हुआ था जब येदियुरप्पा की फिर से सरकार बनी थी, वहां भी कांग्रेस की सरकार गिरी और यहां भी अब बिल्कुल चीजें सामने आ जाएंगी। कल 20 तारीख की बात है तो इसमें अगर इसको हम जोड़ के देखें तो एक ये पूरा कर्नाटक से जोड़कर देखें तो ये पूरा वैसा ही मामला है, वैसी सिचुएशन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट दो के बाद सभी पक्षकारों को फिर अपना फैसला सुना दिया है। इस बीच अब आपको बता दें बड़ी खबर, जैसा कि संजय बता रहे हैं, विधानसभा में कमलनाथ को बहुमत कल साबित करना होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग इसकी की जाएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी आदेश दिया गया है और इन सबके बीच 5 बजे फ्लोर टेस्ट, यानी कमलनाथ सरकार के लिए वो घड़ी आ ही गई जिससे वो बच रहे थे अभी तक। हालांकि उनका ये कहना था कि 22 विधायक हमारे वापस बेंगलुरु से भेज दीजिए, हम बहुमत परीक्षण के लिए तैयार हैं। इस आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे मध्य प्रदेश से। रवीश पाल सिंह भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, कमलनाथ जिस घड़ी को टाल रहे थे वो घड़ी आ गई है, उनका ये कहना था कि हमारे विधायकों को बेंगलुरु से आप आने तो दीजिए, हम तैयार हैं फ्लोर टेस्ट के लिए, और इस पूरे ड्रामे, सियासी ड्रामे के बीच अब कोर्ट ने कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, कल शाम 5 बजे फ्लोर टेस्ट कराइए। जी बिल्कुल, सरकार के लिए तो ये बेहद बड़ा झटका है क्योंकि लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि ये समय जो है इसको जितना ज्यादा आगे हो सके टाला जा सके, और 26 मार्च तक के लिए जो सदन स्थगित किया गया था कोरोना की वजह से उसे भी डिफर करके अब कल के लिए बुला लिया गया है। साफ तौर पे यानी जो कोशिशें लगातार सरकार की तरफ से की जा रही थी उसे अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से नकार दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि कल शाम 5 बजे तक किसी भी सूरत में मध्य प्रदेश विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा, जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी आखिरकार उसकी मन की यहाँ पे हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से तय कर दिया था कि वो किसी भी सूरत में पहले फ्लोर टेस्ट करवाएगी, क्योंकि जो उस तरीके से बेंगलुरु में विधायक हैं वो बार बार सुरक्षा की मांग कर रहे थे, यहाँ से राज्यपाल लगातार स्पीकर को फ्लोर टेस्ट की बात कह रहे थे, स्पीकर हो या मुख्यमंत्री पहले विधायकों को भोपाल बुलाने की बात कर रहे थे, लेकिन इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी ने सदन स्थगित होते ही सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और महज 2 दिन की सुनवाई के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार ऐसे मध्य प्रदेश के ऊपर मंडरा रहा था, कल 20 तारीख को एक और छट जाएगा। माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा है कि 5 बजे शाम के पहले कल ये सारा का सारा फ्लोर टेस्ट हो जाना चाहिए, और जो राज्यपाल महोदय ने निर्देश दिया था विधानसभा अध्यक्ष महोदय को, जो कि उन्होंने नहीं माना, कि आप फ्लोर टेस्ट करवाएं नंबर एक, दूसरे बार हाथ उठा के प्रक्रिया ये हो कि हाथ उठा के फ्लोर टेस्ट होगा, तो मैं मान के चलता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया,
उच्चतम न्यायालय के इस निर्देश के लिए मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा न्यायिक भी और लोकतांत्रिक मूल्यों को परंपराओं को और भी ज़्यादा सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होगा। इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में मारपीट करने की, धमकाने की, उनके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश हुई, इस कारण से जो 22 विधायक बेंगलोर में हैं वर्तमान में, उन विधायकों के ऊपर के प्रकार से मैं जान का संकट, उनके प्राणों का संकट और असुरक्षा का भाव इतना ज़्यादा हो गया था, वो नहीं आना चाहते थे, बार बार इसी बात पर हुज्जत हो रही थी कि हम लाने। तो अब ये जो फ्लो टेस्ट का आदेश है, ये हार्स ट्रेडिंग के लिए, खरीद फरोख्त के लिए, कुल मिला के जो गंदगी राजनीति में बढ़ रही थी उसके लिए समाप्त कर देगा। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ। सर, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक के DGP अगर वो विधायक यहाँ फ्लो टेस्ट में भाग लेना चाहें तो उसको सुरक्षा उनको देना होगा ताकि वो अपना जो भी फैसला हो वो कर सके। निश्चित रूप से इससे बेहतर और कोई आदेश नहीं हो सकता। यदि विधायक जैसा वो कह रहे हैं, पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी उन्होंने कहा, आपके चैनल और TV के माध्यम से उन्होंने कहा है कि वो इस फ्लो टेस्ट में भाग नहीं लेना चाहते क्योंकि जब तक उनकी जान की हिफाजत सुरक्षित नहीं की जाए तब तक वो नहीं करना चाहते। तो इस कारण से मैं अब सोचता हूँ कि वो विधायकों की मर्जी के ऊपर, उनके स्वविवेक के ऊपर और उनके साहस के ऊपर है कि वो वास्तव में कितना यहाँ आने का हौसला रखते, इच्छा रखते या अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा की सारी व्यवस्था दे दी है, अब वो विधायकों के ऊपर डिपेंड करता है। यदि विधायक नहीं आना चाहते तो फिर उन्हें कोई बाध्य भी नहीं कर सकते, ऐसी पुरानी रूलिंग भी है। इस फैसले से सेटिस्फाइड हैं आप लोगों की जो कोशिश थी पिछले कुछ दिनों से कि फ्लो टेस्ट हो? हुआ नहीं, हमेशा सहते, मेरे संतुष्ट होने असंतुष्ट होने का प्रश्न नहीं है। विषय सिर्फ इतना है कि एक न्याय की व्यवस्था हुई, उस संविधान की रक्षा हुई, लगातार जो गवर्नर साहब कह रहे थे और अवहेलना हो रही थी, पत्रों पे पत्र, आधी रात को पत्र, नियुक्तियों पे नियुक्तियां, आयोगों में नियुक्तियां, ट्रांसफर, तमाम चीज़ें, तो मैं मान के चलता हूँ कि इससे बड़ा दुष्कर्म कोई नहीं हो रहा था कि जाते जाते सारे आप सत्यानाश करके हम चले जाएं। वो इस प्रकार के कामों पे सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत संज्ञान लेके जो रोक लगाने का काम एक प्रकार से कर दिया, रोक लगाने का काम इसलिए हो जाए कल फ्लो टेस्ट के बाद में, मैं मान के चलता हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी, स्वागत योग्य कदम है, मानते हैं, अति स्वागत योग्य। इसके अलावा जो कोशिश थी पिछले कमलनाथ सरकार लगातार बचाने की कोशिश कर रहे थे, विधायक भी आपके पार्टी के और भी उनके पार्टी के भी होटल्स में है, अब लगता है कि कल आके और ये सारा झंझट जो इतने दिनों से चल रहा था वो खत्म हो जाएगा, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, सभी लोग अपना सुरक्षा देखते हैं और जिस प्रकार सरकार का रवैया रहा है, राज्य सरकार का, इस रवैये के कारण हमेशा ये बात उठती रही है कि अकूत पैसा इन लोगों ने जो कमाया हुआ है, इस पैसे को इधर उधर सभी विधायकों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही। लेकिन मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे जो एक, तो इसी पर चर्चा करने के लिए हम आज साथ सैयद शाहनवाज हुसैन साहब जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। हमारे साथ अभय दुबे जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और रवीश हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। शाहनवाज जी, खुश तो बहुत होंगे आप, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि जो आप लोगों ने सोचा था वो मध्य प्रदेश में होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कमलनाथ सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर दिख रहा है। जो स्पीकर ने 26 मार्च तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी थी, उसके विपरीत जाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सत्र बुलाकर कल फ्लोर टेस्ट कराने को कहा है। शाहनवाज जी, देखिए, सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत होती है, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। सच्चाई ये है कि आज तक के कैमरे ने भी देखा कि कमलनाथ जी की सरकार अल्पमत में है, पूरी विधानसभा को आपने दिखाया था, अल्पमत का मुख्यमंत्री, अल्पमत में मुख्यमंत्री स्पीकर के ज़रिए वो सदन को स्थगित कर दे कोरोना के नाम पर, ये गलत था, तब भी हमने कहा था। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ये स्वागत योग्य है, फ्लोर टेस्ट हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कमलनाथ जी की सरकार बस कल तक की मेहमान है, 5 बजे के बाद कांग्रेस की। सर, कोर्ट का फैसला आ गया, उन्होंने कहा है कि 20 मार्च को शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट कराना है, और हाथ उठा के फ्लोर टेस्ट? नहीं, हम हमेशा से तैयार थे, मैंने आदरणीय CM साहब ने कहा कि फ्लोर टेस्ट के लिए हम तैयार हैं।
पर इसमें ये भी एक गुंजाइश थी कि जिन विधायकों को अगर आपने किडनैप करके रखा, उनके फ़ोन बंद कर दिए, उस पर भी मैं मानता हूँ कि एक लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए ज़रूरी था कि उनका यहाँ रहना आवश्यक है। पर मैं हर परिस्थिति में फ्लोर टेस्ट के लिए सरकार तैयार है। मैंने कहा, हमने कभी नहीं कहा इस बात को कि कोर्ट ने जो संज्ञान दिया है, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है, निर्देश है, उसको मानने का कि बाध्यता विधानसभा अध्यक्ष का है। हम तो हर बार तैयार थे, हर बार तैयार है, हर बार तैयार रहेंगे। अभी भी कॉन्फिडेंस है 100%? इसमें क्या हो गया? फ्लोर टेस्ट के 16 विधायकों को लेकर कोर्ट ने कहा है कि अगर वो आना चाहें तो कर्नाटक के डीजीपी और मध्य प्रदेश के डीजीपी सुरक्षा उन्हें प्रदान करें, तो ये तो क्लियर हो गया। मगर ये है कि आना चाहें तभी नहीं। मैं मानता हूँ कि कोर्ट ने जो, उसको तो मैं सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहना चाहता, पर लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए जो लोग वोट लेते हैं उनका दायित्व होता है कि उनका निर्वाह उस तरीके से वो करें, पर कानून की अपनी बाध्यताएं होती है और कानून में भी अपने कुछ क्यों होते हैं, कुछ न कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जिससे कि गलती करने वाला या अपराध करने वाला व्यक्ति अपराधी करके बच जाता है। मैं मानता हूँ कि ये उस तरीके की नज़ीर है। ठीक है, तो चलिए जीतू पटवारी को आप सुन रहे थे। इस बीच हम आपको पहले आंकड़ा पूरा दिखा देते हैं। देखिए, सीट कुल 230, खाली दो, इस्तीफा अगर 22 का हो जाता है तब 206 का आंकड़ा होकर 104 हो जाता है बहुमत का आंकड़ा। ये परिस्थिति अब बन रही है। अगर ये विधायक 22 के 22 इस्तीफा दे देते हैं और वो मान्य हो जाता है, वो नहीं पहुंचते हैं, 92 रह जाएंगे कांग्रेस के, बीएसपी के 2, 1 एसपी के और निर्दलीय 4, हो गए 99 और बीजेपी के हैं 107। बहुमत का जादुई आंकड़ा 206 अगर विधानसभा का आंकड़ा हो जाता है तो 104 है बहुमत का आंकड़ा और बीजेपी के पास 107 है, जबकि कांग्रेस पीछे रह जाती है। यानी ऐसा लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा हो जाएगा एक बार फिर से। क्यों शाहनवाज जी, अभी तक जिस तरह से मामला आगे बढ़ रहा है ऐसा ही दिखता है? देखिए, मैंने जैसा कहा, जैसा हम लोग कह रहे थे, जो लोग भी लोकतंत्र के पक्ष में आवाज उठा रहे थे वो ये कह रहे थे कि साफ है, साफ साफ दिखता है कि अल्पमत में है एक सरकार और वो सिर्फ कोरोना का नाम लेकर वो बच नहीं सकती है। ठीक है, जीतू पटवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाहनवाज जी, जरा कांग्रेस का भी इस पर प्रतिक्रिया ले ली जाए। जीतू पटवारी जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से स्पीकर के एक तरह से फैसले के खिलाफ जाते हुए कार्यवाही जो 26 मार्च तक स्थगित की गई थी उसके बजाय कहा है कल आप सत्र शुरू कीजिए और कल 5 बजे फ्लोर टेस्ट कीजिए। तैयार है आप लोग इसके लिए? नहीं ना, इसमें तो हमने हमेशा से कहा कि जब भी निर्देश होगा, आदेश होगा, फ्लोर टेस्ट की बात आएगी, हम हमेशा तैयार थे हैं और रहेंगे। पर सवाल हमारा जो कोर्ट में जाने का या सुप्रीम कोर्ट का जो आधार बना था वो ये था कि एक व्यक्ति जो वोट लेता है, विधायक चुनता है, जब उसको वोट देने की बारी आती है तो वो किसी न किसी रूप में अपना अपराध को छुपा लेता है। इसकी सुरक्षा भी हमने सुप्रीम कोर्ट से चाही थी। मैं मानता हूँ कि अपराध, यही हमारे कानून की अच्छाई और बुराई दोनों है कि अपराध करने वाला अपराधी भी इसमें से बच निकलता है। वो परिस्थिति, वो नजीर आज देखने को मिली। तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं ये कहकर? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा ये हमारे कानून में जो एक बड़ी, सुप्रीम कोर्ट कानून के अनुसार चलती है, कानून बनाने का काम संसद और लोक जनप्रतिनिधियों का होता है, पर अपराध करके बच जाना कानून की लुकाना, कानून की कमी के कारण, उस तरह की नजीर ये दिखी। आप ये बताओ, एक व्यक्ति को वोट मिला इसका कि आगे उसको सरकार चुननी है, उसके पक्ष या विपक्ष में जाना है, तो वो कहता नहीं, मैं तटस्थ रहूंगा, छुप जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। लेकिन जीतू पटवारी जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो आपकी बात में ज्यादा मेरिट ना देखा, उन्होंने तो उन विधायकों की बात में मेरिट देखा, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि उन विधायकों पर कोई भी दबाव नहीं डाला जा सकता है उन्हें। इस बीच शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं पहले सुना देते हैं। जीतू जी, आ रही है आपके पास। पूरे देश को न्याय की जीत हुई है, आतंक दबाव लोभ प्रलोभन खरीद लेंगे, कुचल देंगे, मिटा देंगे, कैसे भी पकड़ के साथ ले आएंगे। इस प्रयास में श्री कमलनाथ जी और विशेषकर दिग्विजय सिंह लगे थे।
आज उसकी पराजय हुई है और इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को हम सिरोधारी करते हैं। कल फ्लोर टेस्ट होगा, हाथ उठा के होगा, और हमारा पूरा विश्वास है कि अल्पमत की सरकार, और केवल अल्पमत की सरकार नहीं है ये, जनता के साथ धोखा करने वाली, विश्वासघात करने वाली, पीठ में छुरा घोंपने वाली, मध्य प्रदेश और विशेषकर वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बनाने वाली, शराब माफियाओं के द्वारा संचालित, परिवहन माफिया, रेत माफिया, तबादला माफिया, मजाक बना दिया था इन्हें। रोज नियुक्तियां हो रही है, आयोगों के अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं और मजाक बना दिया जिन जिनको नियुक्ति दे रहे थे। आज ऐसे अन्याय की पराजय हुई है और हमारा अटल विश्वास है करोड़ों करोड़ जनता की दुआएं और आशीर्वाद हमारे साथ है। फ्लोर टेस्ट में यह सरकार पराजित होगी और नई सरकार बनने का रास्ता साफ होगा। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का शीश झुका के अभिनंदन करते हैं। कल दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आज मध्य प्रदेश के इस फैसले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत स्वागत करती है। मित्रों, ये 7.5 करोड़ उस जनता का फैसला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि जिनके साथ मध्य प्रदेश की इस कमलनाथ की सरकार, जिसके पीछे मिस्टर वंटाढार ने भूमिका निभाई, जिनको छला गया, जिनके साथ कपट किया गया, ये मध्य प्रदेश के उन गरीबों की जीत है जिन गरीबों की योजनाओं को इस सरकार ने बंद कर दिया और उनके हक को छीनने का काम इस मध्य प्रदेश के अंदर किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के उन लाखों कार्यकर्ताओं को जिनको इस सरकार ने प्रताड़ित किया, पीड़ित किया, उनका अपमान करने का प्रयास किया, मित्रों ये उनकी आह माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनी है। भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करती है। माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश के अंदर जो गरीबों का हक दिलाने का काम किया था, जो गरीब अपनी आह ले रहा था मध्य प्रदेश के अंदर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वो फिर हक देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को दिया है। तो शाहनवाज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अभय दुबे का इंतजार है और रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ है। अभी से ही लग रहा है चारों तरफ मिठाई की तैयारी हो रही है शाहनवाज जी, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, आपके बाकी साथी हो, वहां पर टोन से ऐसा ही लग रहा था। और जीतू पटवारी है क्या हमारे साथ फोन पे? ठीक है शाहनवाज, आपके फोन पे नहीं रहूंगा तो कहाँ रहूंगा, बताओ, आदेश करो। अच्छी अच्छी अच्छा, आ रही हूँ जीतू पटवारी जी, आ रही हूँ, रुके, आ रही हूँ आपके पास। एक बार शाहनवाज जी का कमेंट सुन लीजिए, फिर आ रही हूँ जीतू जी। देखिए, जिस दिन विधानसभा का सत्र लगा था उसी दिन जो लोग भी लोकतंत्र में यकीन रखते हैं उनको साफ दिख रहा था कि अल्पमत में सरकार है, और क्योंकि संख्या 22 विधायक इनके साथ नहीं थे तो वो फ्लोर साफ तौर पे दिख रहा था। इसी घबराहट में कांग्रेस के लोगों ने तय किया कि तुरंत करोना के नाम से, करोना के नाम से लोगों को डराकर ये सदन को बंद करते हैं। और बंद करने के बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो दिग्विजय सिंह जी वहां पहुंच गए ताकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, एक ड्रामा कर दिया जाए, और उसका भी कोई असर नहीं हुआ क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, जो आदेश दिया है, उसका हम सर माथे पर स्वागत करते हैं। आप दोनों को रुकना पड़ेगा, शिवराज विश्राम देने का, चिंतन करने का, मंथन करने का, क्योंकि अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी उठानी है। इस पूरे प्रकरण को कितना आप दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं, क्योंकि देखिए जनता तो उम्मीद कर रही थी कि सरकार चले, वोट भी दिया था उसी हिसाब से, लेकिन आप तो
जनता के साथ इस सरकार ने जो किया उसके कारण जनता की आहें ये सरकार को ले डूबी। और अब आप देखिए, कहीं से भी जब हम उस दिन विधानसभा जा रहे थे जिस दिन राज्यपाल महोदय का अभिभाषण था, दोनों हाथ उठा उठा के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक कैसे चिल्ला रहे थे, जल्दी जल्दी। अब मैं उस पर डिटेल नहीं करना चाहता, कल साफ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इंदर जी आ जाए, पहाड़ जी आ जाए, इंदर आ जाए, राकेश आ जाए, यहाँ आ जाए, आपको लगता है साथ में आइए, आप भी आ जाए। अरे भारतीय जनता पार्टी है, किला मजबूत है। शिवराज जी राज्यपाल को लेकर, बस धन्यवाद, ज्यादा ही बोल दिया मैंने। मामला ही यही था जो शिवराज सिंह चौहान भी कह रहे हैं। उन्होंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी है, किला मजबूत है, आपके किले को अपनों ने ही ढाया है, बीजेपी को कोसने से कुछ नहीं होगा। जीतू पटवारी जी, लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूरी था कि उससे जो एक व्यक्ति वोट लेके जाता है उसको वोट डालना जब पड़ता है, जब वो तटस्थ हो जाता है, किडनेप हो जाता है, पैसे से बिक जाता है, तो उसकी सुरक्षा भी करना हमारा दायित्व है। नरेंद्र मोदी जी ने जो नया ट्रेन लाया है उसको लड़ेंगे। अब तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, 100% सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। मुझे लगता है किसी और की आवाज आ रही है, चलते हैं। अभय दुबे जी जुड़ गए क्या हमारे साथ? अभय दुबे जी आवाज आ रही है सर? जी आ रही, आ रही है। अरे तो किला तो सर आपका अपनों ने ही ढाया, कह रहे शिवराज सिंह चौहान कि हमारा किला मजबूत है, हम बीजेपी हैं, और जिस तटस्थता से वो आगे बढ़ रहे हैं उनको जीत दिख रही है। देखिए शिवराज जी अपने दिल पर हाथ रखें और बताएं कि कितना पैसा उन्होंने इस खेल के लिए बहाया, उन्होंने हमारा किला ढहाने की कोशिश की है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मध्य प्रदेश के नागरिकों के प्रजातंत्री निर्णय की ऐसी सौदेबाजी आजाद भारत में कभी नहीं देखी गई। बिल्कुल, आपने इतना जो भ्रष्टाचार भीषणतम 15 सालों तक किया, 15,000 करोड़ रुपए अकेले रेत के उत्खनन में आप लोगों ने, भ्रष्टाचार तो अभी आप कर रहे हैं, सुनिए ना, बताइए सुप्रीम कोर्ट जो सवाल पूछा, अंजना जी ने जवाब दीजिए, कल सरकार आपकी रहेगी कि नहीं रहेगी, दावा कीजिए। अकेले रेत का रेवेन्यू हमने लिया है ना, आपके समय 200 करोड़ रुपए पर एनम था, 200 करोड़, 1200 करोड़ कर दिया कमलनाथ ने। कल 5 बजे के बाद आपकी सरकार नहीं रहेगी मध्य प्रदेश। हम तो अभी भी आश्वस्त हैं शाहनवाज जी, कल बताएंगे सदन में आपको, आपने जो षड्यंत्र किया है मध्य प्रदेश के साथ, भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया था, ये कोरोना का डर दिखाया था, षड्यंत्र है। कोरोना की आड़ में आप सत्ता का मजा ले रहे थे, क्या मिला था बताइए, कल आपको मध्य प्रदेश की जनता ने क्या मैंडेट दिया था, चली जाएगी। आप लोगों को प्रतिपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया था, लेकिन आपने जो भीषण भ्रष्टाचार किया वो प्रदेश के नागरिक देख रहे हैं, बहुमत आपको भी नहीं मिला था, माफियाओं के साथ मिलकर आपने माफिया के साथ आपका है, क्योंकि हम माफिया मुख्यमंत्री के हाथ से पैसे पकड़े गए, उनके पूरे प्रदेश में आपने माफिया के समर्थन में प्रोटेस्ट किया। देखिए शाहनवाज जी, प्रदेश की जनता देख रही है, पूरा छलनी आपने किया। अरे 15 महीने बनाम 15 साल मध्य प्रदेश के नागरिक कह रहे हैं, अभी भी 10 दिन में आप लूट ही कर रहे हो, 2 लाख से अधिक अपराध। ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है सर लड़ाई के लिए, अभी तो बहुत टाइम है लड़ाई के लिए। ठीक है शाहनवाज जी, अबे दुबे जी अब तो फ्लोर टेस्ट सामने आ गया। आप सब देखिए, इलेक्शन तो खत्म हो गया है, इलेक्शन तो खत्म हो गया है। अधीर रंजन चौधरी से हमारे सहयोगी ने बात की है, अभी तो जो परिस्थिति सामने है उसके बारे में बताइए कि किला कैसे बचाइएगा। पहले सुना देते हैं अधीर रंजन चौधरी ने हमारे सहयोगी से क्या कहा है, फिर चर्चा आगे लिए चले। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट के लिए कहा है कल 5 बजे फ्लोर टेस्ट। हाँ, तो मैंने तो बार बार कह रहे हैं, हमारा पार्टी तो बार बार कह रहे हैं कि लोभ लुभावन दिखा के, डरा के, भड़का के, कांग्रेस पार्टी से चुनाव में जो जीते हुए नुमाइंदे उनको भगा के बंगालोर ले गया था। मकसद एक था, सरकार को गिराना। ये चुनाव में बीजेपी पार्टी सरकार गठित करने नहीं सका, चुनाव के उपरांत ये बीजेपी पार्टी मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए शुरू के दिन से साजिश रच रहे हैं। जब मध्य प्रदेश में शांति है, स्थायित्व है, जब विकास हो रहे हैं, बीजेपी पार्टी को ये नहीं पछता। बीजेपी पार्टी साजिश के दौरान सरकार को गिराना चाहते हैं। मेरा एक सवाल यह है कि यही क्या बीजेपी पार्टी की नैतिकता है, यही क्या बीजेपी पार्टी की सच्चता है, एक एक चुनावी जंग में जीते हुए सरकार को
जेन तेन प्रकार गिराना यही क्या बीजेपी के नैतिकता है? ये हम पुस्तक ये बीजेपी पार्टी को हम पूछना चाहते हैं और हमारा जो नसीब में होगा वही होगा। हमारा पास नंबर रहेगा तो जीतेंगे, नंबर नहीं रहेगा तो हारेंगे। कमलनाथ सरकार क्या बच पाएगी? पता नहीं, नंबर अगर होगा तो जीतेंगे। कैमरामैन शकील के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। यही आपकी नैतिकता है शाहनवाज जी? जवाब दीजिए। ये जो सर्वगुण संपन्न है आप लोग कि जहां बहुमत में आते हैं वहां तो सरकार बनाते ही है, जहां बहुमत में नहीं आते हैं वहां भी कुछ दिनों में सरकार बना लेते हैं। अधीर रंजन चौधरी कितनी स्पष्टवादी व्यक्ति है। कहा जो नसीब में होगा, आप तो नसीब पे आ गए क्योंकि बहुमत नहीं है तो नसीब का सहारा हो गया। और ये भी कहा नसीब में होगा तो हम जीतेंगे, नसीब में नहीं होगा तो नहीं जीतेंगे। शायद दुबे जी ने उनको सुना होगा। आपके नसीब में कल 5:05 के बाद विपक्ष में बैठना लिखा है। एन केन प्रकारेन जिस तरह से सत्ता बचाने की कोशिश थी वो नाकाम हो गई। पूरे देश ने देखा है कि बहुमत भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अल्पमत में कांग्रेस पार्टी है और अल्पमत को मुख्यमंत्री के तौर पर जितने फैसले लिए हैं वो फैसले भी वैध नहीं है। जो आपने बांटी है ना, रेवड़ी बांटी है, वो सब फैसले पलट दिए जाएंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कि इनका प्लान कहां से कहां तक है, जमीन के कितने फुट नीचे से जमीन के कितने फुट ऊपर तक। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप परसों तक, सर मुझे लगता है डिबेट में थे मेरे साथ, आप बार बार कह रहे थे कि वहां के विधायकों का आप पीसी करा दीजिए, जनता से उनकी बात करा दीजिए। अब तो वो सामने भी आए और उन्होंने कह भी दिया कि वो क्या चाहते हैं। तो अब ये ढिंढोरा कब तक चलेगा कि जबरदस्ती किडनैप कर लिया है, जबरदस्ती सबको पकड़ लिया है? अंजना जी, आपको मुझको लगता है थोड़ा सा इनको जो विशेषण प्रयुक्त किया है, उपमा दी भाजपा को, उसमें संशोधन करना पड़ेगा। पूर्ण अवगुण संपन्न पार्टी है ये, सर्व अवगुण संपन्न है, सारे अवगुण जितने हो सकते हैं सब इनमें हैं। एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, आज भी हम कह रहे हैं कि पूरी तरह उनको बंधक बनाकर रखा गया। अगर फ्री करते, क्योंकि हम लोगों की भी बात हो रही थी आज, मुख्यमंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने आज तक से बात करते हुए कहा कि हमारी लगभग रोज उनमें से कुछ लोगों से बात होती है। वो अच्छा, यही कह रहे हैं कि हम बेहद दबाव में हैं, मिलने अगर हम फ्री होंगे। मैं देखिए, मैं आपके बीच बोला नहीं चाहता। शाहनवाज जी, इतना अधीर मत होइए, धैर्य तो रखिए। अधीर रंजन चौधरी की बात आ गई। देखिए, ये जो आपने षड्यंत्र किया ये कांग्रेस के साथ नहीं किया, ये पूरे मध्य प्रदेश के साथ किया है। मध्य प्रदेश के साथ जो अक्षम्य अपराध किया है इसके लिए जनता माफ नहीं करेगी। पाप का घड़ा भरा गया है गले गले। किसने किया? आपकी सरकार ने। पाप का घड़ा में होकर सरकार चला रहे थे। ऐसा कोई प्रदेश की नहीं बचा जो आपने विपक्ष के नेता के पद लायक भी नहीं रखेगी। प्रजातंत्र की मर्यादा की रक्षा अगली बार आपको इतनी सीटें नहीं देगी। ब्रेक के बाद दिल्ली की तरह विपक्ष के नेता का पद भी नहीं मिल रहा है। चर्चा अभी जारी रहेगी। देखिए, बड़ी खबर है, कल शाम 5 बजे फ्लोर टेस्ट होना है कमलनाथ को, शक्ति परीक्षण करना। एक ब्रेक के बाद शक्ति परीक्षण। मध्य प्रदेश सरकार यानी कमलनाथ सरकार को कल शाम 5 बजे शक्ति परीक्षण का सामना, फ्लोर टेस्ट का सामना करना पड़ेगा मध्य प्रदेश विधानसभा में। यह फैसला खुद देश की सर्वोच्च अदालत ने सुनाया है। याद रखिएगा, इससे पहले स्पीकर ने 26 मार्च तक के लिए कार्यवाही विधानसभा की स्थगित कर दी थी, लेकिन इसके विपरीत जाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फिर से सत्र बुलाया जाए, कल फ्लोर टेस्ट कराया जाए 5 बजे, वीडियो रिकॉर्डिंग में ये फ्लोर टेस्ट हो और इसी के साथ जो विधायक बागी हैं उन पर कोई भी दबाव नहीं बनाया जा सकता, जबरन उन्हें विधानसभा में लाने का, उन्हें सुरक्षा दी जाए, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।